दोस्तों आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों अगर आज आपका एग्ज़ाम है और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, तो आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल व वर्कशॉप क्वेश्चन दोनों के पेपरों का एनालिसिस करेंगे और पूरा विंडो पेपर है। अब काफ़ी बच्चों को डाउट है ये पेपर आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों एक को यहाँ से मैं आपको कन्फर्म नहीं कर सकता, लेकिन आप अभी खुद ही डिस्कस में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो या ITI CBT एग्ज़ाम के नाम से सर्च करके भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हज़ारों बच्चे हैं जो रोज़ एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर वहाँ पर आपस में चैट करते हैं, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि पेपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों को डाउट है कि सर पेपर पहले से कहाँ से आ गया। दोस्तों ये 4-5 पेपर है, पूरे पेपर अभी तक जो CBT एग्ज़ाम हुई है पूरे पेपर यहीं से आ रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक बार इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाना। साथ ही आप अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम अभी CBT एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं, साथ ही जैसे आपके प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग आदि की एग्ज़ाम होती है तो उनके पेपर का भी एनालिसिस कराते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो। तो ज़्यादा वक्त ख़राब ना करें। अगर आज आपके एग्ज़ाम है, माना कि आपने अच्छे से तैयारी की है, लेकिन एक बार ये पेपर ज़रूर देख के जाना, फिर एग्ज़ाम के बाद आके हमसे ज़रूर चैट करना। भले ही आप यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम ग्रुप आकर चैट करके हमें बता देना कि ये पेपर आया या नहीं आया, क्योंकि अभी भी काफ़ी बच्चों को डाउट है। लेकिन माना कि आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो एक बार 8-10 मिनट का टाइम निकाल के इस क्लास को पूरा देखना, आपको 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं ज़्यादा नहीं, वैसे तो 99% पूरा पेपर आएगा, लेकिन 80% क्वेश्चन की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करें, और ITI फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ज़रूर देखना। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपका आएगा 41 नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ से 20 क्वेश्चन आपके वर्कशॉप क्वेश्चन के हैं और 20 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका 41 नंबर, यानी 40 तक आपके ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चन थे। क्वेश्चन है गति का सूत्र क्या है। तो दोस्तों गति का सूत्र होता है तय की गई दूरी बटा समय, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। बी है मैट्रिक सिस्टम में एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। तो दोस्तों वो होते हैं 735.5 वाट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है, तो कितना कार्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 3750 जूल। अगला क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है। तो दोस्तों उसका मान होता है 1। अगला क्वेश्चन है 1 ग्राम पानी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं हम कैलोरी। ऊष्मा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों वो होता है आपका कैलोरी मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि एक रोड 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर लंबा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या है। तो दोस्तों उसका राइट आंसर आएगा आपका, यानी 20 का राइट आंसर, यानी 1.75×10⁻⁵ प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन दोस्तों एक वर्ग जिसकी भुजा 18 सेमी है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों उसका क्षेत्रफल होगा 324 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 12, 18, 6, 36 का LCM कितना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 36, यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइन थीटा किसके बराबर होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी विपरीत भुजा बटा करण। अगला क्वेश्चन है 529 का वर्गमूल क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा 23, यानी बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से यह धातु कौन सी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है मशीनरी भागों की ढलाई बनाने के लिए किस धातु का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दूसरा ढलुआ लोहा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो दोस्तों वो होती है आपकी लोहा धातु, यानी राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है रेती और कोल्ड छेनी बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सी, यानी उच्च कार्बन स्टील। अगला क्वेश्चन है यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेमी क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा। दोस्तों राइट आंसर आएगा 19.5। अगला क्वेश्चन है इंड्यूज EMF के लिए क्या सूत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा BLV साइन थीटा वोल्टेज में, यानी सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कॉपर या तांबा। अगला क्वेश्चन है कितने पावर की आवश्यकता है I=0.455 R=484 ओम, तो P ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप इसको हल करोगे तो उसका राइट आंसर आएगा 100.2 वाट, यानी सी राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है एक साधन मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ
का अनुपात क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपके ये वर्कशॉप क्वेश्चन का पेपर हो चुका है। अब इम्प्लॉयटी स्किल का पेपर है दोस्तों, तो ये देखो 61 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, एक रिज्यूम खालिस्तान होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा छोटा और सटीक, यानी ए राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट नंबर कौन सा है? तो दोस्तों आपके कोऑर्डिनेट नंबर होता है वो होता है 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्न स्तर की भाषा को खालिस्तान भी कहा जाता है? दोस्तों इसे कहेंगे मशीन भाषा। अगला क्वेश्चन है किसी कार्य के लिए किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण खालिस्तान कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा नौकरी का विवरण। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रणाली में खालिस्तान होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस, ईमेल का पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सीसी। अगला क्वेश्चन है सीपीयू से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किसी रो यानी पंक्त कॉलम यानी स्तंभ के इंटरसेक्शन यानी प्रतिच्छेदन को खालिस्तान कहा जाता है? दोस्तों वो आएगा सेल, एंड राइट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है आनंद प्राप्त करने के लिए केबल गाने सुनना खालिस्तान के अंतर्गत आता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा प्रश्नात्मक लिसनिंग, यानी सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को खालिस्तान कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा एथिक्स, यानी सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे खालिस्तान कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों उद्यमी। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है? दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा सी, यानी टेली। अगला क्वेश्चन है माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है? दोस्तों राइट आंसर आएगा विनिर्माण उद्यम। अगला क्वेश्चन है कम उत्पादन से खालिस्तान क्या होता है? दोस्तों तो दोस्तों राइट आंसर आएगा प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी। अगला क्वेश्चन है एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा भूस्खलन, यानी ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है उनके पर्यावरण के संबंध में जीवित चीज़ों के अध्ययन को कहा जाता है खालिस्तान? तो बताओ दोस्तों क्या कहेंगे? दोस्तों वो आएगा आपका परिस्थिति के निश्चित राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्री की पुनः आपूर्ति को खालिस्तान कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सामग्री का पुनः चक्रण। अगला क्वेश्चन है ILO का विस्तार क्या है? दोस्तों राइट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है फिश बोर्ड चार्ट को खालिस्तान भी कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा कारण और प्रभाव आरेख। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों KAIZD का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा निरंतर सुधार। तो दोस्तों आपका पूरा पेपर हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, अब तक के बस इतना ही।